ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आई एम डॉक्टर दिव्यजीत सिंह, सीनियर रेजिडेंट इन सुभारती मेडिकल कॉलेज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री. गोइंग टू टेक योर लेक्चर ऑन मूड डिसऑर्डर. एंड द कंटेंट ऑफ अवर टुडेज प्रेजेंटेशन इज इंट्रोडक्शन टू मूड डिसऑर्डर, है ना, एंड ICD क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, हाइपोमेनिया, व्हाट इज हाइपोमेनिया, द सब टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर, मेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर एंड अदर मूड डिसऑर्डर्स. ऑल दीज थिंग वी आर गोइंग टू ना रीड इट टुडे. देन व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मूड एंड अफेक्ट, है ना. तो मूड, व्हाट इज मूड, है ना, सिंप्लीफाई, मन, है ना, मूड, है ना, इंटरनली हाउ यू फील, है ना, बैड और सैड, हैप्पी, है ना, दिस इज मूड, है ना. तो दैट इज मूड, ये मूड की डेफिनेशन है ना, जो हम अंदर से फील करते हैं, है ना. जैसे मैं अभी आपसे पूछूं आपका मन कैसा है ना, तो आप बोलोगे कि अच्छा है, सैड है. मोस्टली अभी लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेस्ड, है ना, क्योंकि लेक्चर चल रहा है, बोरिंग, ठीक है. तो ये मूड है आपका अभी करंट एट अ टाइम, है ना. एंड वॉट इज अफेक्ट, उसी का जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, दैट इज अफेक्ट, है ना. तो मूड, इट इज अ सस्टेन्ड एंड परवेसिव इमोशनल रिस्पॉन्स, है ना. एंड वॉट इज अफेक्ट, इट इज अ शॉर्ट लिव्ड आइडिया और इमोशन रिस्पॉन्स टू दैट आइडिया और एन इवन, है ना. जो भी आपके फेस पर एक्सप्रेशन हो रहा है, जो एक्सप्रेस हो रहे हैं, है ना, इमोशनल एक्सप्रेशन, दैट इज अफेक्ट. नाउ मूड डिसऑर्डर इंक्लूड अगेन सेम थिंग, मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, बाइपोलर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स. बाइपोलर डिसऑर्डर्स को अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं ना, इसका दूसरा नाम है, ठीक है. रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर्स, इट इंक्लूड साइक्लोथेमिया एंड डिस्थाइमिया, है ना, अदर मूड डिसऑर्डर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द ICD क्लासिफिकेशन, दिस इज द बुक इन साइकेट्री विच क्लासिफाई द डिफरेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, है ना, एंड गिव अ कोडिंग टू दैट डिसऑर्डर, पर्टिकुलर डिसऑर्डर. लाइक इन ICD-10 मेनिक एपिसोड डिफाइंड बाई F30, है ना. F31 इज बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, F32 डिनोट्स डिप्रेसिव एपिसोड, F33 रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, F34 इज अ परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर विच इंक्लूड साइक्लोथाइमिया एंड डिस्थाइमिया, एंड F38 इज अदर मूड डिसऑर्डर, एंड एफ देर इज अनदर क्लासिफिकेशन F39 अनस्पेसिफाइड मूड डिसऑर्डर. दीज आर द क्लासिफिकेशन. नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विद हाइपोमेनिया, है ना. तो बिफोर स्टार्टिंग हाइपोमेनिया, लेट मी टेल यू द व्हाट इज हाइपोमेनिया, है ना. हाइपोमेनिया इज अ परसिस्टेंट माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड, है ना. अब माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड क्या है, जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं हम, है ना, सैड की बात नहीं कर रहे अभी हम, है ना. दिस इज अ माइल्ड एलिवेशन ऑफ मूड विच इंक्लूड्स इंक्रीज एनर्जी, एक्टिविटी, है ना, एंड यूजली मार्क फीलिंग ऑफ वेल बींग, है ना. इन विच देर इज अ इंक्रीज इन सोशियबिलिटी, है ना, पेशेंट बिकम ओवर टॉकेटिवनेस, है ना, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, एंड पेशेंट रिक्वायर्ड वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्लीप, है ना. और उसके बाद भी पेशेंट 2 घंटे की नींद लेता है, उसमें पेशेंट आपको बोलेगा मैं बहुत बहुत फ्रेश फील कर रहा हूँ, है ना. देर इज अ डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, है ना, नॉट अ डिस्टर्ब स्लीप, डिक्रीज नीड, बट नॉट दैट एक्सटेंट, दे ऑल दीज सिम्टम्स आर प्रेजेंट, नॉट दैट एक्सटेंट लीड टू द सीवियर डिसरप्शन ऑफ वर्क और रिजल्ट इन सोशल रिएक्शन, है ना. इतने ज्यादा ये सिम्टम्स स्ट्रांग नहीं होंगे कि उसका जो ऑक्यूपेशनल है ना, और सोशली डिसरप्ट हो जाए, है ना, उसकी एक्टिविटी. नाउ सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट फॉर 4 कॉन्सिक्यूटिव डेज. नाउ क्राइटेरिया फॉर हाइपोमेनिया इज 3 out of 7 इफ एलिवेटेड मूड, एंड 4 out of 7 इफ डिस्फोरिक मूड, है ना. इसमें से या तो 3 प्रेजेंट हो, है ना, जो जितने भी 7 क्राइटेरिया हैं, लाइक डिस्ट्रैक्टेबिलिटी, है ना, जिसमें डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं इसे, है ना, इंक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एंड हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर, है ना. नाउ अगर किसी का मूड एलिवेटेड होगा, खुश होगा, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा, है ना. एक होता है बेसलाइन, है ना, जिसमें होता है नॉर्मल मूड, होता है नॉर्मल, है ना, बहुत ज्यादा ना खुश ना बहुत ज्यादा डिप्रेस, है ना. अब उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, खुश हो जाएगा ज्यादा, और नीचे जाएगा तो डिप्रेस हो जाएगा. तो अभी हम बात कर रहे हैं हाइपोमीनिया की,
है ना, अ लिटिल बिट मोर ऑन अबव द बेस लाइन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटीज एंड रिस्क टेकिंग एक्टिविटीज, जब मूड बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो उसे बहुत चीजें अच्छी लगेंगी, है ना, रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी हो सकता है पेशेंट का, ग्रैंडियोसिटी होती है, व्हाट इज ग्रैंडियोसिटी, बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, बड़े बड़े प्लान्स बनाना, है ना, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो सकते हैं, है ना, जो भी थॉट्स हैं रेसिंग थॉट्स हो जाएगी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज मीन बहुत स्पीड से आइडियाज आ रहे हैं दिमाग में, है ना, तभी तो उसकी ओवर टॉकेटिवनेस भी बढ़ी हुई है, अगर दिमाग में माइंड आइडियाज ज्यादा आएंगे, थिंकिंग ओवर थिंकिंग चलेगी, ज्यादा आइडियाज आएंगे तो ज्यादा बोलेगा, है ना, तो फ्लाइट ऑफ आइडियाज, है ना, एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है, मेंटल एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, ज्यादा खुश इंसान कैसा दिखेगा, है ना, इंक्रीज दिखेगी ना एक्टिविटी, है ना, और डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, है ना, ओवर टॉकेटिवनेस, बहुत ज्यादा बातें करेगा, ज्यादा खुश होगा तो, है ना, तो 3 out of 7 इफ एलिवेटेड मूड एंड 4 out of इफ डिस्फोरिक मूड, द एपिसोड इज नॉट एट्रीब्यूट टू द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, है ना, ये कोई जो जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं, सम पेशेंट्स आर यूज टू टेक द सब्सटेंस, है ना, जैसे अल्कोहल हो गया, है ना, या अदर एडिक्टिव सब्सटेंस हो गए, तो अगर उसकी प्रेजेंस में सिम्टम्स हो रहे हैं तो नहीं एट्रीब्यूट करा जाएगा, है ना, ये इंडिविजुअल चीजें होनी चाहिए, है ना, विदाउट टेकिंग एनी सब्सटेंस, विदाउट हिस्ट्री ऑफ एनी सब्सटेंस और एल्कोहल अब्यूज। नाउ कम टू मेनिया, मेनिया इज लिटिल बिट हायर साइड ऑफ हाइपोमेनिया, है ना, थोड़ा ऊपर की इंटेंसिटी की चीज होगी, ज्यादा सीवियर, है ना, तो लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मेनिया इज 0.8 to 1%, ठीक है, डिसऑर्डर टेंड्स टू अकर इन एपिसोड, एपिसोडिक डिसऑर्डर होता है, लाइक हाइपोमेनिया भी एपिसोडिक होता है, ये भी एपिसोडिक होता है, कंटिन्यूअस नहीं होगा कभी भी, है ना, कि कोई मान लो कोई पेशेंट है एलिवेटेड मूड है, खुश मूड है, तो साल 2 साल उसका ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा नहीं है, ये एपिसोडिक होगा, 4 to 5 month देन इट सबसाइड, है ना, मेनिया इज ऑफ टू टाइप, है ना, मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, है ना, अब साइकोटिक सिम्टम्स क्या होते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं लाइक हेलुसिनेशंस, डिल्यूजन्स, है ना, दीज आर कॉल्ड साइकोटिक सिम्टम्स, तो मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स। नाउ सिम्टम्स ऑफ मेनिया, है ना, मेनिया के भी सिम्टम्स इज सिमिलर टू हाइपोमेनिया, है ना, एंड क्राइटेरिया इज ऑल्सो सेम, 3 out of 7 इफ एलिवेटेड मूड एंड 4 out of 7 इफ डिस्फोरिक मूड, है ना, तो 1 is distractibility, इंक्रीज इंटरेस्ट इन प्लेजरेबल एक्टिविटी एंड रिस्क टेकिंग एक्टिविटी, ग्रैंडियोसिटी, फ्लाइट ऑफ आइडिया इज प्रेजेंट, एक्टिविटी इज इंक्रीज, साइकोमोटर एक्टिविटी बोथ फिजिकल एंड मेंटल, है ना, नीड फॉर स्लीप डिक्रीज एंड ओवर टॉकेटिवनेस, है ना, ऑल दीज आर 7 out of these 3 शुड बी प्रेजेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ हाइपोमेनिया, एंड ड्यूरेशन इज 7 days, इन हाइपोमेनिया इज 4 days, इन दिस इज 7 days, ऑल दीज सिम्टम्स प्रेजेंट कंटिन्यूअसली प्रेजेंट फॉर 7 days, सिम्टम्स में लीड टू द सीवियर डिसरप्शन ऑफ वर्क एंड रिजल्ट इन सोशल रिजेक्शन, हाइपोमेनिया में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जो उसका पर्सनल वर्क है और ऑक्यूपेशनल लाइफ बहुत ज्यादा हेम्पर्ड नहीं हो रही थी, है ना, बट इसमें सीवियर डिसरप्शन ऑफ वर्क, है ना, पेशेंट के जो इन्फॉर्मेंट है वो बताएंगे कि जी काम पे जाना बंद कर दिया इसने, है ना, बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना, कुछ चीजों पर ध्यान नहीं देता, है ना, दिस इज कॉल्ड मेनिया, मेनिक एपिसोड, द सिम्टम लास्ट फॉर 1 week 7 days, ठीक है, उसका क्या था 4 days का था, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकता है इसमें, है ना, बट हाइपोमेनिया में नहीं होता है। नाउ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना, हमने क्या पढ़ा अभी, हाइपोमेनिया एंड मेनिया, अब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ऑल्सो कॉल्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर एंड इट इज करेक्टराइज बाई रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन इन द सेम पेशेंट एट डिफरेंट टाइम, ये दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज बाइपोलर डिसऑर्डर फॉर यू, है ना, बाइपोलर का मतलब है टू पोल ऑफ इलनेस, है ना, एक ही इलनेस है बट उसके टू पोल है ना, दो अलग अलग इलनेस नहीं है, एक ही इलनेस है बट हैव एपिसोडिक प्रिवलेंस है उसका और टू एपिसोड है ना, दो फेजेस हैं उसके, एक मेनिक एक डिप्रेसिव, ठीक है, दीज एपिसोड कैन अकर इन एनी सिक्वेंस, है ना, पहले मेनिया भी हो सकता है फिर बाद में डिप्रेशन हो, या पहले डिप्रेशन हो फिर मेनिया हो, है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, द पेशेंट विद रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया आर ऑल्सो क्लासिफाइड एट बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, दिस इज मेन थिंग टू अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर रिकरेंट एपिसोड ऑफ मेनिया, अब आप सोचोगे कि सिर्फ मेनिया ही मेनिया पेशेंट को हो रहा है तो वो तो एक ही पोल हुआ बस मेनिया हो रहा है, बट वो भी बाइपोलर डिप्रेशन ही कहलाएगा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ही कहलाएगा,
बट अगर डिप्रेशन के ही सिम्टम्स आ रहे हैं तब वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर नहीं होगा, तब वो रिकरेंट डिप्रेशन कहला सकता है बट नॉट अ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए दो फेजेस आने बहुत जरूरी है, या फिर मेनिया, एक्सेप्शन है मेनिया, सिर्फ मेनिया मेनिया आ रहा है तो हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलेंगे। नाउ करंट एपिसोड ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर एज स्पेसिफाइड बाय, है ना, जब भी पेशेंट आता है तो वी हैव टू डिफाइन कि अभी करंटली बाइपोलर अफेक्टेड, लाइक वी राइट दैट पेशेंट इज डायग्नोज विद बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर विद करंट एपिसोड क्या है ना। आपको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कैसे बनाओगे, पहले हिस्ट्री लोगे ना पेशेंट की, है ना, पता तो करोगे ना पहले कौन से एपिसोड आए, मेनिया के ही आए या डिप्रेशन के भी आए या मेनिया के आए, है ना। नंबर ऑफ एपिसोड कुछ भी हो सकते हैं, है ना, 3 एपिसोड डिप्रेशन के आए हो, क्या पता एक मेनिया का आया हो, है ना, 4 मेनिया के आए एक डिप्रेशन का आया हो, है ना, बट मेनिया और डिप्रेशन दोनों होने चाहिए, है ना, या फिर मेनिया ही मेनिया होना चाहिए। ठीक है, तो करंट एपिसोड जो भी पेशेंट प्रेजेंट हो रहा है, जो भी है ना सिम्टम्स के साथ, लाइक हाइपोमेनिया, पेशेंट प्रेजेंटिंग विद कंप्लेन सिम्टम्स ऑफ हाइपोमेनिया, जो भी हमने 7 सिम्टम्स पढ़े थे ना, आउट ऑफ 3 शुड बी प्रेजेंट इफ एलिवेटेड मूड, है ना। अब मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स भी हो सकता है ना, उसमें क्या होंगे, मेनिया के वही सारे फीचर्स होंगे 7 out of 3, और जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम्स, अगर साइकोटिक सिम्टम्स होंगे तो हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होंगे, है ना, पेशेंट बोलेगा ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, कानों में आवाज आती है ना, या कुछ दिखाई देता है ऐसा अकेले में उसे, है ना, तो ये क्या है, विद साइकोटिक सिम्टम्स विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, बट मेनिया के फीचर वही रहेंगे। माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन हो सकता है, अभी तक हमने मेनिया की बात करी है ना, अब हम बात करेंगे डिप्रेशन की, है ना, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर विद डिप्रेशन भी तो हो सकता है ना, डिप्रेसिव फीचर हो सकते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे मतलब क्या डिप्रेसिव फीचर कौन से, है ना, सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, अब सीवियर डिप्रेशन होगा तो विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स हो सकता है, और सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स हो सकता है ना। मिक्सड एपिसोड हो सकते हैं, है ना, मिक्सड एपिसोड क्या होते हैं, जिसमें मेनिया और डिप्रेशन दोनों के फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसा भी होता है ना, कुछ कुछ एपिसोड में मिक्स्ड फीचर्स प्रेजेंट है। अब कोर्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर है ना, कोर्स अकर्स इन अर्ली एज, है ना, अर्ली एज कितना अर्ली है, 3rd decade, लाइक इन 30s, पेशेंट की जो एज होगी 29, 30, 32, 35 या उससे अबव, है ना, तो स्टार्ट इन अकरिंग इन अर्ली एज 3rd decades, है ना, एंड एवरेज मेनिक एपिसोड लास्ट फॉर 3 to 4 months, है ना, एक जो मेनिया का एपिसोड होता है वो 3 to 4 months के लिए ही सस्टेन करता है, वेयर एज एवरेज डिप्रेसिव एपिसोड लास्ट फॉर 4 to 6 months, तो डिप्रेशन का जो ड्यूरेशन होता है वो मेनिक एपिसोड से ज्यादा होता है ना। अब इसमें प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो इसमें लिख दिया है वैसा ही होगा, किसी का अगर कोई मेडिकेशन पे है तो वो 1 महीने में भी ठीक हो सकता है, नहीं है तो फिर ये तो है ही, इसमें बताया है ना 3 to 4 months एंड डिप्रेशन इज 4 to 6 months। यूनिपोलर डिप्रेशन लास्ट लॉन्गर देन बाइपोलर डिप्रेशन, है ना, यूनिपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर में कंफ्यूज नहीं होना, बाइपोलर डिप्रेशन जो होता है वही होता है मेनिया एंड डिप्रेशन, एंड यूनिपोलर सिर्फ डिप्रेशन, तो अगर किसी को प्लेन एक ही डिप्रेशन ही हुआ है तो डिप्रेशन ज्यादा लंबा चलता है एज कम्पेयर टू बाइपोलर इलनेस या फिर मेनिया, है ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यूनिपोलर व्हाट इज बाइपोलर, यूनिपोलर मतलब सिंपल डिप्रेशन, अगर किसी को एक बार डिप्रेशन हुआ है तो डिप्रेशन को ठीक होने में टाइम लगता है, ऑन मेडिकेशन एंड विदाउट मेडिकेशन तो मुश्किल ही होता है ठीक होना, है ना, 1 year, 6 month, 9 month। विद रैपिड इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रीटमेंट मेजर सिम्टम्स ऑफ मेनिया आर कंट्रोल्ड विद इन 2 weeks एंड डिप्रेशन विद इन 6 to 8 weeks, ट्रीटमेंट पे भी 2 weeks में ठीक होता है एंड डिप्रेशन टेक्स लॉन्गर टाइम 6 to 8 weeks। क्रोनिक डिप्रेशन इज यूजली करेक्टराइज बाई लेस इंटेंस डिप्रेशन, हाइपोकॉन्ड्रिकल सिम्टम्स, एल्कोहल डिपेंडेंस, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, है ना, क्रोनिक जो डिप्रेशन होता है उसमें क्या होते हैं और भी सिम्टम्स मिल सकते हैं ना, हाइपोकॉन्ड्रिकल सिम्टम्स होते हैं ना, साइकोसोमेटिक कंप्लेन्स होती हैं, है ना, पेन इन बॉडी मल्टीपल साइट्स, है ना, और भी दिक्कत होती है ना, एल्कोहल डिपेंडेंस, जो एल्कोहल क्रोनिक एल्कोहलिक्स होते हैं उसमें क्रोनिक डिप्रेशन देखने को मिल सकता है ना, पर्सनैलिटी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्रोनिक डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। नाउ कोर्स ऑफ बाइपोलर अफेक्ट कंटिन्यू दैट स्लाइड प्रीवियस स्लाइड, एज एज इंक्रीज इंटरवल बिटवीन द 2 एपिसोड डिक्रीज एंड द ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड एंड देयर फ्रिक्वेंसी इज इंक्रीज, जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती जाएगी जो एपिसोड का जो इंटरवल है 2 एपिसोड्स के बीच में है ना वो कम होता चला जाएगा, मान लो उसे साल में 2 बार मेनिया होता है ना, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी तो वो जो एक एवरेज टाइम है वो कम हो जाएगा है ना, उसे वो जल्दी होने लगेगा
है ना, 1 महीने के या 2 महीने के इंटरवल में होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, पेशेंट ओल्ड होता जाएगा ना। द ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड एंड देयर फ्रिक्वेंसीज इंक्रीजेस, एपिसोड का ड्यूरेशन भी बढ़ जाएगा। मान लो पहले 3 महीने का होता तो 4 से 5 मंथ का हो जाएगा, है ना, उसकी फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी, जल्दी जल्दी होने लगेगा, है ना। नॉट ऑल पेशेंट हैव रिलैप्स बट अप टू 75% हैव सेकेंड एपिसोड। सबको नहीं होता है बट 70% पेशेंट को सेकेंड एपिसोड होते ही होते हैं, है ना। पेशेंट विद ग्रेटर देन 4 एपिसोड ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इन अ ईयर इज कॉल्ड रैपिड साइकिलिंग, है ना। जिन्हें 4 से ज्यादा एपिसोड्स होते हैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के, है ना, दोज आर कॉल्ड रैपिड साइकिलर्स, है ना। पेशेंट विद ग्रेटर देन 4 एपिसोड ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इन अ मंथ, दैट इज इन द ईयर, अगर 1 साल में 4 या 4 मूड अफेक्टिव एपिसोड्स होते हैं तो दैट इज कॉल्ड रैपिड साइकिलर, है ना। अगर मंथ में ही हो रहे हैं इतने 4 तो दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा रैपिड, अल्ट्रेडियंस भी बोलते हैं, है ना, अल्ट्रा रैपिड और रैपिड, है ना। व्हेन मेनिया एंड डिप्रेशन ऑल्टरनेट वेरी रैपिडली इन आवर्स, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा अल्ट्रा रैपिड साइकिलर, है ना। अब अगर ये मान लो एक दिन में ही हो रहा है इतना वेरिएशन मूड का, है ना, फ्लक्चुएट हो रहा है ना, हाई एंड लो हाई एंड लो एक ही दिन में, तो ये क्या कराएगा, अल्ट्रा अल्ट्रा, है ना, अल्ट्रा अल्ट्रा रैपिड साइकिलर, है ना। तो जो भी है इंपॉर्टेंट है टाइम ड्यूरेशन पीरियड, है ना, इन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। नाउ इटियोलॉजी, जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्रोमोजोम 18q 22q, हेरिटेबिलिटी 70 to 80%, इट इज हेरिटेबल हेरिटेबल, है ना। बायोलॉजिकल HPAxis डिसफंक्शन, है ना, BDNF इज अ ग्रोथ फैक्टर, है ना, दिस ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इटियोलॉजी ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। साइकोइम्यूनोलॉजिकल इन्वॉल्व इंक्रीज इन लेवल ऑफ ओफिल डैश 6, है ना, एंड न्यूरो इमेजिंग वेरिएशन इन द ग्रे मैटर, है ना, लाइक वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेटम थैलेमस एंड कॉर्पस कैलोजम, है ना, देर इज अ वेरिएशन इन द ब्रेन वॉल्यूम, है ना, द पार्ट्स ऑफ ब्रेन देर इज अ वेरिएशन, है ना। इंक्रीज एक्टिवेशन इन सर्किट इन्वॉल्विंग सुपीरियर एंड मीडियल फ्रंटल कॉर्टेक्स एंड इंसुला, है ना। तो दीज आर द इटियोलॉजिकल फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, दैट इंक्लूड मेनिया, हाइपोमेनिया, डिप्रेशन। नाउ व्हाट आर द बायोलॉजिकल थ्योरीज बिहाइंड दिस, तो जेनेटिकल, दिस इज जेनेटिक हाइपोथेसिस, लाइफ टाइम रिस्क ऑफ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ बाइपोलर मूड डिसऑर्डर पेशेंट इज 25%, एंड रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज 20%, चिल्ड्रन विद वन पेरेंट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज 27%, चिल्ड्रन विद बोथ पेरेंट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर इज 74%, है ना। ऑल दीज आर जेनेटिक थ्योरीज, है ना, अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को होगा तो उसके ऑफस्प्रिंग को कितने चांसेस होंगे, है ना, ये कहना चाह रही है ना। अगर दोनों पेरेंट को मान लो मूड डिसऑर्डर की दिक्कत है तो बच्चे में तो ज्यादा चांसेस होंगे ना, 75%, तो ये कहना चाह रहे हैं। एज पर दीज इविडेंस जेनेटिक फैक्टर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग चिल्ड्रन वल्नरेबल टू द मूड डिसऑर्डर्स, है ना। नाउ बायोकेमिकल थ्योरीज क्या कहती है, मोनोमाइंस हाइपोथेसिस होता है, इट सजेस्ट कैटेकोलामाइंस लाइक हिस्टामिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरेटोनिन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एट वन और मोर साइट्स, है ना। देयर इज अ ऑल्टरेशन इन दीज न्यूरोकेमिकल्स इन द ब्रेन, क्या न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, सेरेटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन, है ना, डोपामिन, एंड नॉट इन दिस बाइपोलर ओनली मूड डिसऑर्डर्स, है ना। दिस इम्पेयर्डनेस अगर दिस कैन हैपन इन मैनी साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, है ना, दे न्यूरोकेमिकल्स में जो ऑल्टरेशन होता है। फंक्शनल इंक्रीज इन मेनिया, ऑल दिस न्यूरोकेमिकल्स एंड डिक्रीज इन डिप्रेशन, मेनिया में क्या होते हैं, न्यूरोकेमिकल्स एलिवेट हो जाते हैं ना, डिप्रेशन में कम हो जाते हैं। नाउ पेशेंट विद सीवियर डिप्रेशन विद मार्क डिक्रीज इन सेरेटोनिक फंक्शन एविडेंस बाय द डिक्रीज 5-HA लेवल, है ना। ये 5-HA लेवल एक केमिकल का नाम है जो कि सेरेटोनर्जिक उसको बताता है, उसके मेटाबॉलिज्म को बताता है। तो ये क्या होता है, सीवियर डिप्रेशन में ये डिक्रीज हो जाता है ना इसका लेवल। तो ऑल दीज आर बायोलॉजिकल थ्योरीज। नाउ न्यूरोएंडोक्राइन थ्योरी, मूड सिम्टम्स आर सीन विद मेनी एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, है ना, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग डिजीज, एडिसन डिजीज, है ना। तो दीज मूड डिसऑर्डर्स लाइक मेनिया, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कैन कम विद दीज एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स ऑल्सो, लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, कुशिंग डिजीज। लाइक इन हाइपोथायरॉयडिज्म पेशेंट में क्या होगा, है ना, डिप्रेशन ज्यादा एलिवेट होने के चांसेस रहेंगे, डिप्रेशन ज्यादा मिलेगा आपको हाइपोथायरॉयड पेशेंट पे, है ना।
ब्रेन इमेजिंग वी कैन डू सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई, एसपीसीटी, है ना। फाइंडिंग इन दीज इंक्लूड्स वेंट्रल डायलिटेशन, है ना, द वेंट्रिकुलर सिस्टम एनलार्ज मिलेगा, व्हाइट मैटर हाइपर इंटेंसिटीज मिलेंगी, चेंजेस इन ब्लड फ्लो एंड मेटाबॉलिज्म इन दीज रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। अदर थ्योरीज आर इंक्लूडिंग साइको एनालिटिकल थ्योरीज भी होती हैं, कुछ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेस, है ना, स्लीप एबनॉर्मेलिटी की वजह से भी होती हैं, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थ्योरीज होती हैं, है ना। ऑल दीज आर द कॉजेशन थ्योरीज ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। नाउ व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, है ना, अदर अदर डायग्नोसिस क्या होंगे जो सिमिलर लाइक इसी की तरह होंगे, है ना, लाइक ऑर्गेनिक कॉजेज लाइक डिमेंशिया, डिलीरियम, है ना, एक्यूट ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर्स, है ना, डिल्यूजन डिसऑर्डर्स इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, है ना, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, है ना, दीज आर द साइकेट्रिक कंडीशंस कम टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ बीपीएडी। नाउ डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, नाउ कम टू द डिप्रेशन, है ना। नाउ डिप्रेशन इज अ मूड डिसऑर्डर, ये भी एक मूडी डिसऑर्डर है, दैट कॉज अ परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, है ना, ये तो आप एवरीवन्स नोज एंड कोरिलेट कर सकते हो व्हाट इज डिप्रेशन, है ना, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इजी फैटिगेबिलिटी, रिमेनिंग टू सेल्फ, क्राइंग स्पेल्स, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, है ना, डिस्टर्ब स्लीप, है ना, ऑल दीज कॉल्ड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर और क्लिनिकल डिप्रेशन, है ना। इट अफेक्ट्स हाउ यू फील एंड थिंक एंड बिहेव एंड कैन लीड टू द वैरायटी ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन, है ना, माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड एंड सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड, है ना। नाउ ICD-10 क्लासिफाई डिप्रेशन इनटू द F32 इज अ ओवरऑल डिप्रेसिव एपिसोड, F32.0 इज माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड, F32.1 इज मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड, F32.2 इज सीवियर डिप्रेशन एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, F32.3 इज सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विद साइकोटिक सिम्टम्स, F32.8 इज अदर डिप्रेसिव एपिसोड लाइक एटिपिकल डिप्रेशन, है ना, F32.9 इज डिप्रेसिव एपिसोड अनस्पेसिफाइड एंड F33 इज रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल इन कमिंग स्लाइड्स, है ना। इंसिडेंस इन डिप्रेशन इन द रेंज ऑफ 10 to 15%, जो न्यू केसेस इसके मिलते हैं, इंसिडेंस जो है इसका प्रिवलेंस वो है 10 to 15% केसेस, एंड अबाउट 10% इन मैन एंड 20% इन वुमेन, तो इट इज मोर कॉमन इन वुमेन देन इन मैन, है ना, डिप्रेसिव एपिसोड। नाउ इटियोलॉजी अगेन ऑफ दिस डिप्रेशन इज बायोलॉजिकल थ्योरी, न्यूरोकेमिकल थ्योरीज लाइक नॉन एपिनेफ्रिन सेरोटोनिन लेवल आर डिक्रीज, है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, जेनेटिक फैक्टर, है ना, डिस्टर्बेंस इन द एचपी एक्सिस, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस डिस्टर्बेंस, सर्कैडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाए, है ना, स्लीप डिस्टर्बेंस जो होती है वो सर्कैडियन रिदम के डिस्टर्ब होने से ही होती है, एंड स्लीप फर्दर जो स्लीप डिस्टर्बेंस होता है वो प्रेसिपिटेट कर सकता है डिप्रेशन को। चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी, है ना, सोशोलॉजिकल थ्योरी, स्ट्रेसफुल लाइफ हो, है ना, साइकोलॉजिकल इवेंट्स हो, है ना, किसी की फैमिली में, है ना, स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही है ना, दैट कैन प्रेसिपिटेट डिप्रेशन। साइको सोशल थ्योरीज अकॉर्डिंग टू द फ्रॉयड साइको एनालिटिकल थ्योरी ड्यू टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट इन दिस मॉडल, है ना, मेनिया इज व्यूड एज डिनाइल ऑफ डिप्रेशन, दीज आर कॉल्ड साइकोलॉजिकल थ्योरी, है ना, विच सेड दैट द डिप्रेशन इज कॉज ड्यू टू द स्ट्रेस फैक्टर, है ना। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर थ्योरी ऑफ डिप्रेशन फिनोमिना टू बी एक्सपीरियंस ऑफ अनकंट्रोलेबल इवेंट, ऑल दीज आर साइकोसोशल थ्योरीज। नाउ फीचर्स, द मोस्ट टिपिकल डिप्रेसिव एपिसोड इज करेक्टराइज बाई द फॉलोइंग फीचर्स विच शुड लास्ट फॉर एटलीस्ट 2 वीक, है ना, मेनिया इज फॉर 7 वीक ड्यूरेशन, है ना, मेनिया के जो सिम्टम्स थे शुड बी प्रेजेंट फॉर 7 डेज, हाइपोमेनिया फॉर 4 डेज एंड डिप्रेशन इज फॉर 2 वीक्स मतलब 15 डेज, है ना। फीचर्स क्या होते हैं, मूड, लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, इजी फैटिगेबिलिटी, है ना, रिमेनिंग टू सेल्फ, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज एंड इंक्रीज इन स्लीप, बोथ कैन हैपन, बोथ विल हैपन, है ना, डिप्रेसिव लॉस ऑफ इंटरेस्ट, डिप्रेसिव कॉग्निशन शुड बी प्रेजेंट इन सीवियर डिप्रेशन लाइक होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, है ना, अनरीजनेबल गिल्ट एंड आइडियाज ऑफ गिल्ट शुड बी प्रेजेंट, है ना, दिस डिप्रेसिव कॉग्निशन इज प्रेजेंट इन वेरी सीवियर डिप्रेशन, है ना, जब पेशेंट बोले कि अब कोई जीने की उम्मीद ही नहीं लगती, अब लगता ही नहीं कोई हेल्प कर पाएगा, है ना, अब जीवन का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, दिस इज वॉट इज कॉल्ड होपलेस, है ना, बोलते हैं ना होपलेस, वर्थलेस, हेल्पलेस,
दिस इज सीन इन सीवियर डिप्रेशन, है ना, सेल्फ ब्लेम, खुद को ही अपने आप को ही ब्लेम करना, है ना, ऑल दीज आर फीचर ऑफ डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन, है ना. साइकोमोटर एक्टिविटीज शुड बी डिक्रीज, है ना, वॉक एंड एक्ट स्लोली, है ना. डिप्रेसिव पेशेंट देखा है कैसा होता है, बड़ा स्लो स्लो, है ना, एवरीथिंग इज स्लो, है ना, स्पीच इज वेरी स्लो, है ना, फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी स्लो, लिथार्जिक. साइकोटिक फीचर्स आर हेलुसिनेशंस, ऑलरेडी टोल्ड यू, है ना, नीलिस्टिक डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट इज प्रेजेंट, है ना. नीलिस्टिक डिल्यूजन इज जस्ट लाइक दैट, मतलब उसे लगेगा मेरा पूरा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया, है ना, दुनिया खत्म, मेरे लोग खत्म, मैं भी खत्म, नीलिस्टिक, है ना, कोई वजूद ही नहीं है, है ना. डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, पेशेंट माइट वॉन्ट थिंक दैट कि मैं बहुत गरीब हूँ, पुअर हूँ, और है ना, इस टाइप के आइडियाज और थिंक उसके दिमाग में आएंगे, है ना, डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी. और हालांकि वो घर से ठीक होगा, लेकिन उसे ऐसे वो आएंगे, है ना, ऐसे विचार उसके दिमाग में आएंगे कि नहीं, मेरे से ज्यादा कोई गरीब कोई है ही नहीं, मैंने कुछ नहीं करा लाइफ में, है ना. दिस आर कॉल्ड डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, है ना, एंड डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, है ना, बिना बात की गिल्ट, किसी किसी चीज की पुरानी कोई चीज हुई है, ना, उसकी गिल्ट पकड़े हुए बैठा है, पश्चाताप जिसे बोलते हैं, है ना, वो गिल्ट. तो दीज आर ऑल प्रोमिनेंट इन डिप्रेसिव पेशेंट, सीवियर, इन सीवियर डिप्रेशन. नाउ व्हाट इज रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड, है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एटलीस्ट टू एपिसोड ऑफ डिप्रेशन, है ना. करंट एपिसोड इन रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज स्पेसिफाइड एट माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर विदाउट साइकोटिक सिम्टम्स, सीवियर विद साइकोटिक सिम्टम्स एंड इन रेमिशन, है ना. तो ऑल दीज आर क्लासिफिकेशन ऑफ रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड, है ना. रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड कुछ नहीं होता, बस दो से दो बार आ गया, तीन बार आ गया ना डिप्रेसिव, सिर्फ डिप्रेशन, नॉट मेनिया, है ना. अगर मेनिया आएगा तो फिर वो बाइपोलर इलनेस बन जाएगी. परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, व्हाट इज परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, इट इज कैरेक्टराइज बाई परसिस्टेंट मूड सिम्टम्स विच लास्ट फॉर मोर देन टू ईयर्स, है ना, बट नॉट सीवियर इनफ टू बी लेबल्ड एज इवन हाइपोमेनिया और माइल्ड डिप्रेसिव, है ना. इसमें परसिस्टेंट मूड जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट आएगा, वो बोलेगा मेरा दो साल से मन उदास है, बट परसिस्टेंट उदास है, ना, ना कभी ऊपर नीचे अप डाउन कभी हुए नहीं है, बट वो बोल रहा हाँ मेरा मन उदास है, बट परसिस्टेंटली लो, है ना. कोई मेनिया नहीं आया, कोई हाइपोमेनिक एपिसोड नहीं आया, ना माइल्ड बताया उसने कि हाँ कभी कम भी होता है, बट ही सेज कि परसिस्टेंट, है ना, आई एम हैविंग अ लो मूड फॉर क्रॉनिक, है ना, लाइक टू ईयर्स, मोर देन टू ईयर्स, है ना. तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्थाइमिया, इसे हम बोलेंगे डिस्थाइमिया. इफ सिम्टम कंसिस्ट ऑफ परसिस्टेंट माइल्ड डिप्रेशन, द डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज डिस्थाइमिया, है ना, जो भी हमने पढ़ा, है ना. देन कम्स टू साइक्लोथाइमिया, है ना. साइक्लोथाइमिया इज जस्ट लाइक अ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना, बट इसमें जो एपिसोड्स होंगे वो थोड़ा सा लेस इंटेंसिटी के होंगे देन बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, है ना. साइक्लोथाइमिया इज लाइक अ एलिवेशन एंड मूड एंड देन लो मूड, हाई मूड, बट जो उसकी इंटेंसिटी होगी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर से थोड़ी कम होगी, है ना, दैट इज कॉल्ड साइक्लोथाइमिया, है ना. इफ सिम्टम्स कंसिस्ट ऑफ परसिस्टेंट इंस्टेबिलिटी ऑफ मूड बिटवीन माइल्ड डिप्रेशन एंड माइल्ड इलेशन, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइक्लोथाइमिया, है ना. साइक्लोथाइमिया कई बार ऐसा होता है कि वो डिटेक्ट भी नहीं हो पाया, इतना हल्का सा माइल्ड एलिवेशन और माइल्ड डिप्रेशन आ रहा है कि वो नहीं डिटेक्ट कर पा रहे, है ना, साइक्लोथाइमिया. इट्स जस्ट अ लेसर डिग्री ऑफ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर साइक्लोथाइमिया, है ना. बट हाँ, मूड इंस्टेबिलिटी रहेगी, है ना, मूड में वेरिएशन रहेगा, कभी हाई जाएगा कभी लो जाएगा. अदर मूड डिसऑर्डर्स इंक्लूड्स डायग्नोसिस ऑफ मिक्स अफेक्टिव डिसऑर्डर्स, है ना, जिसमें मिक्स सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेसिव, मेनिक, है ना. इन दिस फुल क्लिनिकल पिक्चर ऑफ डिप्रेशन एंड मेनिया इज प्रेजेंट ईदर एट द सेम टाइम, है ना, या तो सेम टाइम पे डिप्रेशन और मेनिया के होंगे, या फिर इंटरमिक्स और अल्टरनेट रैपिडली, या फिर एक के बाद एक भी हो सकते हैं, जैसे अभी एकदम से मेनिया के आए, फिर कुछ टाइम बाद फिर डिप्रेशन के आ गए, है ना, रैपिडली विद ईच अदर, इसे रैपिड साइक्लिंग भी बोलते हैं, है ना, विदाउट अ नॉर्मल इंटरविंग पीरियड ऑफ यूथाइमिया, है ना. मूड नॉर्मल नहीं होना चाहिए बीच में, कहने का मतलब है एकदम से डिप्रेशन आया फिर उसके बाद एकदम से मेनिक फीचर आ गए, बट मूड नॉर्मल नहीं हो, तभी तो मिक्स बोलेंगे ना उसे. बीच में अगर गैप आ जाएगा तो फिर वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाएगा, है ना. बट ये मिक्स्ड है ना. मिक्स कब होगा, जब दोनों फीचर इंटरमिंगल्ड होंगे, है ना, मिक्स्ड होंगे, या तो साथ में हो या एक के बाद एक हो, बिना गैप के. दैट्स इट, थैंक यू.